Example 3.4, the resistance of platinum wire of a platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm. Ice point का मतलब 0 degree C. जब भी ice point पर resistance दिया हो तो वो 0 degree C का resistance होगा और उसे हम R0 से represent करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था. And at steam point is 5.23 ohm. Steam point का मतलब 100 degree C. जब भी स्टीम पॉइंट पर रेजिस्टेंस दिया होगा तो वो 100 डिग्री से होगा और उसे R100 से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड व्हेन द टेम्परेचर इज इंसर्टेड, व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, हॉट बाथ जिसका टेम्परेचर हमें पता नहीं है, एंड वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बाथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज 5.795 ओम. जब हम इस थर्मोमीटर को हॉट बाथ में रखते हैं तो अननोन टेम्परेचर टी पर रेजिस्टेंस 5.795 ओम हो जाता है. दैट मीन्स आर टी इज गिविन 5.795 ओम और हमें टेम्परेचर, अननोन टेम्परेचर आर टी पर जो टेम्परेचर टी है वो फाइंड करना है. तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैंने आपको बताया ही था पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में. एग्जाम्पल 3.4, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी पर रेजिस्टेंस को R0 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो R0 दिया है 5 ओम एंड रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सी R100 5.23 ओम और T इज द अननोन टेम्परेचर, इस पर रेजिस्टेंस दे रखा है 5.795. T इज द टेम्परेचर विच हैज टू बी फाइंड. इसके लिए पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, T इक्वल आर टी माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100. इसमें जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. वैल्यू पुट करके आफ्टर कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आएगी 345.65 डिग्री सी.